आंखों की एक गंभीर बीमारी है। ऐसे में आपको आंखों का ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो रेटिनल आई डिटैचमेंट नाम की ये बीमारी आपको भी हो सकती है। इन दिनों अलग अलग तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं जिनसे लोग परेशान हैं। इन दिनों रेटिनल आई डिटैचमेंट भी एक बड़ी समस्या है जो आंखों की एक गंभीर बीमारी है और ये बीमारी काफी ज्यादा चर्चा में है। आम आदमी पार्टी से सांसद राघव चड्ढा इस बीमारी से ग्रस्त हैं। आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, धीरे धीरे रोशनी कम होने लगती है, आंखों का पर्दा फट जाता है, रेटिना पिछली परत से अलग हो जाता है, खून का संचार कम होने लगता है, आंखों की रोशनी जाने का खतरा होता है। उनके पर्दे के पेरिफेरल पार्ट में डिजनरेशन हो जाता है या होल बन जाते हैं। जब इसमें होल बन जाते हैं तो इसका पानी पीछे चला जाता है विट्रेस का, और ये पानी पीछे जाने से पर्दे को आगे ढकेल देता है जिससे रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है और इसके कारण क्या है। चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा ये बीमारी सामने आती है। आंखों में मौजूद फ्लूइड कम होने लगता है, आंखों के पास इंजरी होने से ज्यादा समस्या बढ़ती है, मोतियाबिंद वालों को ज्यादा परेशानी होती है, कमजोर नजर वालों को इससे ज्यादा खतरा है, परिवार में किसी को है तो जल्दी होती है। इस बीमारी के लिए स्क्लर बकल तकनीक है, इसी से रेटिनल डिटैचमेंट का इलाज ज्यादा होता है। इसमें आंख की पुतली की बाहरी दीवार पर बने रेटिनल टीयर यानी छेद को सिला जाता है। इसके अगर लक्षण की बात करें तो हम 4F कहते हैं। यदि आपको कभी भी फ्लैशेस, फ्लोटर्स, फील लॉस अगर आपको लगे कि एक साइड से नहीं दिख रहा है, या आपका विजन फॉलिंग ऑफ विजन अगर कुछ ऐसा दिखता है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। अब बात